का मरीज होगा साइकिल छोड़ने से, साइकिल छोड़ने साइकिल। अब पूरी बात की, अब जब बिल्कुल मुझे साइटिका हो गया और साइटिका का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मेरे आप दादाजी को ठीक है अच्छा, मेरा बेटा एक आपका जो बेटा है वो आईबीएम में सर्विस करता था दिल्ली, उनके यहाँ एक डॉक्टर आते थे 94 वर्ष के, चौरानवे साल के थे, वो भी बंदर जैसे हो रहे थे, 94 साल में होता क्या। उन्होंने मेरी सारी फाइल देखी, और फाइल देखने के बाद में वो फाइल इतनी जोर से फेंक के मारी बहुत दूर, जिन पे जिस पे उनकी जितनी भी ताकत थी फेंक दी, तुझको कोई बीमारी नहीं है, ये पागल है, दुनिया भर के तेरे टेस्ट में कुछ भी कोई बीमारी नहीं है। उनके यहाँ एक साइकिल खड़ी वैसी जो बेटा सिर्फ जम के साइकिल लगा, दो आदमियों ने मुझे पकड़ के बैठाया और मेरा पैर ये जो दो आदमियों ने उसके असिस्टेंट ने खींचा, तो मैं चिल्लाऊँ करे और खींचो, मैं चिल्लाऊँ और वो और खींचे, 10 चक्कर मेरे उस पैडल पर अगर ऐसे निकल गए तो मेरी यहाँ से हड्डी और नस ऐसे बोली जैसे कड़ कड़ कड़, और असहनीय मतलब दर्द जिसको कह नो टॉलरेशन। डॉक्टर साहब आपको विश्वास नहीं होगा, 50% मुझे रिलीफ हो गया। उसने कहा अगर जिंदा रहना चाहता है तो 5 किलोमीटर वो साइकिल चला खूब घूम, और उसने 10 गोली दे दी, 1 गोली खाने से भाग गया, और आई एम क्वाइट वेल। आप चलाते हैं, देखिए मैं घर नहीं करता, हम डॉक्टर हैं, मैंने इनको ऐसे देखे हैं जो रिटायरमेंट होकर आए ठीक ठाक बिल्कुल, अब उनमें कौन मौसम बंद होगा, सब जो दिनचर्चा खत्म होगी, मैं 4-5 साल मर जाऊँ, 2 साल में बेटी बिना चीनी की चाय पीने, बिना चीनी की। कल इसी बात पे बहस हो रही थी, कल इन्हें देखने के लिए आए थे कुछ लोग, तो इसी बात पे बहस ये चल रही थी चर्चा कि जी साइकिल चलाते हैं वो, फला आदमी 80 साल का है इतनी दूर चलाता है, फला आदमी 70 साल का इतनी दूर चलाता है, उन सब की एक कॉमन बात थी, क्या कॉमन बात थी, किसी के भी पेट नहीं था, किसी के भी किसी तरह की कोई रोग नहीं था, और वो इतनी उम्र में भी इतनी दूर दूर तक साइकिल चलावें, और अभी भी हैंगे एक तो इनके जो वो हैं बाबले, बताओ 80 किलोमीटर, हाँ नहीं दादूपर वाले जो, तो 80 किलोमीटर साइकिल से जाना और आना, और उम्र कितनी है, उम्र तकरीबन 70 तो होगी, अब आप बताइए, और उस आदमी को कुछ भी तकलीफ नहीं है। जैसे अब एक मरीज का ऑपरेशन होना हमारे पड़े, हम दादरी हमारी दादरी में डॉक्टर राजीव गोयल और नवीन में सर्जन, बहुत बढ़िया सर्जन है, वो गाजियाबाद में भी ऑपरेशन कराया और यहाँ भी कराया, यशोदा में भी कराया, अब वो डॉक्टर यहाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा 15,000 वो भी डॉक्टर कर रहा है, वह ऑपरेशन है तुम जाके यशोदा में करवाओ डॉक्टर भी कर रहा है, 1 लाख लगेंगे, 1 लाख सीधे डॉक्टर बोलिए कहा है, अब भाई कमरे बढ़िया है, स्टाफ पहन जो वर्दी पहन के घूम रहा है, और जो काम कराओ तो भाई डॉक्टर ने करा है, वो उन्होंने 5-स्टार होटल का चार्ज लिया, बिल्कुल जहाँ आप गए आपने 5-स्टार होटल का चार्ज ले लिया, और भाई ये देखे तुम अपोलो में पहुंच जाओगे तो 1.5 लाख ले लो। 1.5 लाख लेकिन अब पता हो क्या रहा है, अब ये भी हो रहा है कि अब दिखाए पे ही चल रहे हैं लोग बाग, वही तो है, अगर कोई व्यक्ति काबिल है ना तो उसकी काबिलियत उसके कपड़ों से उसकी वाहन से देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता वो आदमी के अंदर क्या गुण है। अभी भाई साहब ने मुझे रेफर किया एक केस, वो गरीब आदमी थे वहाँ जीटी रोड पे अपना फोम वोम का काम करते, मैं इन्होंने भेजा मैं पहुंचा ली, एक और सर्जन बैठे हुए थे हमारे डॉक्टर जो अपना ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो पहले से ही बैठे हुए थे, वो उन्होंने कहा कि इसका तो बच्चा निकालना पड़ रहा है, स्कूटी निकाल क्या भैंस का या गाय, अच्छा
अच्छा वो ठीक 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 समझ गया। अब मैं पहुंच गया जी, मैंने इनका परिचय दिया, जबकि मुझे वो जानते हैं बहुत, खरे आइए करो भैया, इनका क्या प्रॉब्लम है गाय कोई, तो उनके यहाँ वो रहती हैं वो असिस्टेंट वगैरह जो लेडीज रहती हैं। हाँ तीन चार रहते हैं, उन्होंने बेचारे ने बताए, और मैंने कहा मैं बस, मैंने कहा आप एक काम करो, जरा सा सरसों का तेल ले आओ, मैं इसको गोबर के रास्ते हाथ डाल कर फीटस की सारी जानकारी आप। मैंने फीटस में हाथ डाल कर देखा, उसके बाद मैंने उनको बता दिया इसका बच्चा वो आता खिलाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगा, घुमा दो इसको और ये अपने आप ब्याएगी। क्या दे बोलते कहिए आपका चार्ज मन मुझे तो आप जो चाहोगे, तो तुम्हारी हालत ख़राब है, वो भी बीमार थे, बीमार उन्होंने मुझे 100 रुपये दे दी, मैं चलाया, मैंने कि 3 दिन लगेंगे ब्याने में, 30 दिन का वो डॉक्टर ने करा दी मुझे 3,000 वही कहा जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो 3,000 रुपये मांग रहा था बैठे, और लोग देखते अरे नहीं नहीं मज़े की बात तो ये है कि जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो बता रहे हैं कि गाबन है कि नहीं है। अरे वो तो जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, वही तो बता सके है। अब इन्होंने अभी देखो डॉक्टर साहब ने इन्होंने एक सेकंड नहीं लगा और मैं बता दिया, पेट पर हाथ करके बता दूंगा कि आपके पेट में इतने दिन का बच्चा है। अब डॉक्टर साहब दूसरी बात फीस की रही, फीस की कोई जो डॉक्टर होगा वो कभी अपनी फीस नहीं ले सकता, और जो व्यापारी होगा वो सबसे पहले फीस की बात करेगा कि फीस काउंटर पे जमा करवाया। मेरी तो जो भी वैसे ढोल वाले मरीज हो, यहाँ डॉक्टर तो कई आम है, एक मैकदार आवे, एक गाँव का कुमार कॉल होना बहुत है, हमारा जो चार जगत है वही करवाया गया, मैंने पता ही पंडित जी बुलाया करो, अब पंडित जी बुला तो हमेशा हमारे सरपंच साहब हैं, अच्छा हुई मैंने तो आप यहाँ सरकारी उसमें रहे थे हॉस्पिटल में, तभी तो मुझे अब आप इतनी नॉलेज तो जब ही हो सके और आदमी की प्रैक्टिस हो लगातार। 42+ मेरी 42 42+ और घर में भी मेरे बहुत हुआ था, तो आप तो यहाँ मुझे लगे हेड ही रहे होगे, इंचार्ज रहे होगे। इंचार्ज में 7 साल रहा, 7 साल अब नहीं की। आप मुझे अपना फोन नंबर और बताओ। 99 53 27 78 76 और नाम हो गया कांति प्रसाद शर्मा जी, बहुत बढ़िया। अब ये देखो कितनी इन्होंने बड़ी बात बताई है कि आदमी की और उसकी दोनों की एक जैसी वो है सारी चीज। हाँ जी हाँ बोलिए। नहीं हफ्ते में कभी कोई मतलब परेशानी हो गई, बुखार आ गया या थकान हो गई, सब तरह की बात है। अब मोर देन 60 पे तो आदमी सभी कभी हफ्ते में आदमी को घरेलू समस्या है और या फिर मुझे मेरी तबीयत गड़बड़ है तो मैं रुक जाता हूँ, और वैसे फोन पे सबको दवाई लिखवा कर। वैसे छुट्टी नहीं है कि जी किसी दिन की मैं छुट्टी करता हूँ, हाँ इमरजेंसी है तभी है ना, जैसे फोन पहुँच गया। हाँ 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 अब मैंने 3 दिन 4 फोन करा, गर्मी बहुत थी, ये बोले भी 2 दिन रुक जाओ मैं जाके लाऊंगा। देखो मैं आपको भी बताऊं, वो चीती में बता रहा था ना छोटा वाला हमारा, वो उसकी जो भैंस थी 1.5 लाख रुपए की भैंस थी, और वो उसने डॉक्टर ने मतलब मार दी उसके सामने, उसका बच्चा खींचा उसने, और वो मना कर रहा था हमारा छोटा वाला कि इससे मत करवाओ, इसको तो अनुभव नहीं है क्या कर रहा है, लेकिन वो माने नहीं और उससे करवाया, और उसके सामने ही वो जो मिस्त्री तो हमारा जो मकान बना रहा है उसके भाई की, तो कह रहा जी मैंने भी उससे कही थी लेकिन वो माना नहीं उससे करा। अब बताओ कैसे हाँ ऐसे नहीं था वो समस्या ऐसे नहीं थी जैसे आप सोच रहे हो, वो समस्या ऐसी थी कि वो आसानी से सुधर जाती
लेकिन उसको अनुभव नहीं था उस डॉक्टर को, उसने बिगाड़ दिया और वो तुरंत भाग गया फिर वहाँ से। बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग हुई। हाँ, तुरंत भाग गया वहाँ से, उसे देखा कि अब तुझे अगर किसी ने देख लिया, कोई जानकार व्यक्ति हुआ, तो तेरी जो है। लोहारली में मैंने एक केस देखा, लोहारली में जी, ये कोर्ट वो 3 दिन से न्यार नहीं खा रही थी भैंस, और बिल्कुल स्वस्थ। न्यार बंद जी, 9 महीने 51 घाटी। मैंने उनसे कहा जो भी पेशेंट अटेंडेंट थे, नागर साहब ऐसा है, नागर साहब उसमें नागर भी हैं, वार्डिंग बहुत है। तो मैंने कहा भाई नागर साहब तुम एक काम करो, ये शहर यहाँ से लेकर उनका घर भी आपकी बहुत। तो मैंने उनको 3% दिया, उसके बाद मैं दोबारा टेम्परेचर लिया। 2 बार में 2 तरह का तो टेम्परेचर आया। अच्छा, मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया, उनकी घरवाली आई, डॉक्टर साहब क्या बात है, मैंने बात हुआ तो हमारी भैंस ने आप क्यों ना खा रही, मैंने बता दूंगा तुम जा। मैं नागर साहब से कहने लगा, मैं नागर साहब बच्चा इसका बेटा हो गया, मैं बिल्कुल बेकार है यार, इसलिए तुम एक काम करो, मैं एक इंजेक्शन ले रहा हूँ, ये इंजेक्शन ले के आओ, मैं एक इंजेक्शन नहीं तुम्हारे पास ना, मैंने मेरे पास होता तो मैं भी लगा देता। मैंने इंजेक्शन मंगाया, सिकंदराबाद मिला, और मैंने कहा ये शाम तक अपने आप बच्चा नहीं डालती है तो सीधा मुझे फ़ोन कर देना। वो 3 बजे उनका फोन आया कि भैंस ने बच्चा मरा हुआ है। मैंने कहा भाई हमने बता दिया, और उनको फूल रहा, मैंने कहा भैया यही एक दवाई थी, बाकी और कोई दवाई नहीं है।